सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉलेंट सीरीज के ट्रेलर 215 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इससे पहले के एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको आगे की स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो फिर चलिए जल्दी से ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें सनसेट फॉरेस्ट में शावू को दिखाया जाता है, जिसके सामने टैंगसेंग का सीगर ट्राइडेंट खड़ा था। और फिर इसी सीन में मार्शल सोल एम्पायर का एक एलाइट सोल मास्टर शावू को अकेला खड़ा देखकर आवाज लगाता है और उसे धमकाते हुए पास आने को कहता है। इसके बाद शावू बहुत ही क्यूट सा चेहरा बनाती है और डरने का नाटक करती है। अब शावू को नहीं आता देखकर वो एलाइट सोल मास्टर उसे पकड़ने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब टैंगसेंग 50,000 साल के बोरो डेमन स्पाइडर किंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसे उसकी पहली वाली एबिलिटी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ टैंगसेंग को इनविजिबल होने की भी एबिलिटी मिल जाएगी। वैसे टैंगसेंग का फोर्थ सोल रिंग उसे एक ही सोल स्किल प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उस बोरो डेमन स्पाइडर किंग के गायब होने की टेक्निक को टैंगसेंग का सीगर ट्राइडेंट कॉपी कर लेगा, जिसकी मदद से टैंगसेंग अपने आप को या फिर अपने सोल रिंग को गायब कर पाएगा या फिर वो उनकी कलर्स को भी चेंज कर पाएगा। अब इस सीन में टैंगसेंग अपने ट्राइडेंट के साथ खड़ा तो है पर वो इनविजिबल फॉर्म में है और वो बेवकूफ इलाइट सोल मास्टर शावू को अकेला समझकर उसे पकड़ने को गया है। टैंगसेंग और शावू को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे मार्शल सोल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर आ रहे हैं, और अब शावू के ठीक होने के बाद टैंगसेंग बहुत ही अच्छे मूड में था और अब वो शावू के साथ मिलकर इन इलाइट सोल मास्टर को मस्ती मजाक करके मार डालना चाहता था। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि इन इलाइट सोल मास्टर के साथ क्या होने वाला है। इसके बाद अगले सीन में हमें दाइमुबाई और दाइवाईसी को दिखाया जाता है, जो सेना के एक टुकड़ी के साथ बॉर्डर्स का मुआयना करने गए हैं, जहाँ पर वे शायद मार्शल सोल एम्पायर के सप्लाई लाइन को देखते हैं जो सेना के लिए रसद सामग्री ले जा रहे हैं। इस सीन में दाइवाईसी दाइमुबाई को कहता है कि जब वे दोनों छोटे थे तब वे आपस में लड़ते थे, पर अब वे इस बैटल को एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें सीलू सिटी दिखाया जाता है, जहां पर दाइवाईसी अपने फादर किंग बियर और एम्परर जुबेंग को बॉर्डर में हो रहे गतिविधियों के बारे में बताता है। इस मीटिंग में इम्पीरियल स्कूल के तीनों वाइस प्रेसिडेंट और जुजु यून भी थी, और अब वे सभी मार्शल सोल एम्पायर के साथ लड़ाई लड़ने की योजना बनाने लगते हैं। और फिर एम्परर जुबेंग दाइवाईसी और जुजु यून को कुछ आदेश देता है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़े साइज का पर्सन दिखाया जाता है, और अगर मैं सही हूँ तो ये जरूर ह्यूलिना और सीयू का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से क्रिएट हुआ है। इसके हाथ में हमें सीयू का मून ब्लेड भी दिखाया गया है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि शायद ह्यूलिना और सीयू अब अपने 7 सोल स्किल मार्शल सोल फॉर्म को भी फ्यूजन स्किल में यूज कर पाएंगे, और शायद इसी वजह से इनका ये मार्शल सोल फ्यूजन स्किल इतने बड़े साइज का हो गया है। अब इसके साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में दाइवाईसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो सिलू शहर में मीटिंग हॉल में सभी को बताता है कि उसने और दाइमुबाई ने ऐसा डेंजरस फॉर्म पहले कभी नहीं देखा था। ह्यूलिना और सीयू का ये कॉम्बाइंड फॉर्म उनके कैपिटल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, और शायद ये देखकर दाइवाईसी और दाइमुबाई भी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। दाइवाईसी सभी को सावधान करता है कि मार्शल सोल एम्पायर के अंदर बहुत सारे राज छिपे हैं जिनसे हम अनजान हैं। इसके बाद हमें फिर से सनसेट फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहां पर टैंगसेंग सभी लाइट सोल मास्टर्स को मार चुका था, और अब वो शावू के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। शायद टैंगसेंग और शावू सीमा में हो रहे बैटल की बात कर रहे थे। अब टैंगसेंग शावू को चिंता नहीं करने को कहता है, और वो उसे बताता है कि बाकी के पांचों श्रेक्स सीमा पर एम्परर जुबेंग के साथ ही होंगे। ये सुनकर शावू उसे कहती है कि तो फिर ठीक है, उनकी मदद से अभी फिलहाल के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही होगी। इसके बाद शावू टैंगसेंग से उसकी हालत पूछती है, और टैंगसेंग उसे रिप्लाई में कहता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। अब तुरंत ही हमें झाड़ियों के अंदर एक सोल बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें लाल रंग की थी, और शायद ये एक अटैक टाइप सोल बीस्ट है जो घात लगाकर टैंगसेंग और शावू को देख रहा होता है।
अब तांगसान का अगला शिकार शायद यही सॉल बीस्ट होने वाला है। इसके बाद यहीं पे ये ट्रेलर खत्म होता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए एनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।